आदिवासी समाज का भी विकास हो, उन्हें भी समाज में उचित स्थान मिले, इसी मांग को लेकर आदिवासी विकास परिषद महाराष्ट्र राज्य समिति द्वारा सोमवार को पनवेल तहसील कार्यालय के सामने आदिवासियों ने अनशन शुरू किया है। आदिवासी विकास परिषद के संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट मदन गुवारी के नेतृत्व में यह अनशन शुरू किया गया है। आदिवासी समाज का आरक्षण प्रशासन द्वारा दी गई योजनाएं, आदिवासी इलाकों के रास्ता, बिजली तथा पानी की समस्याएं आदि सहित बेहद सारी समस्याएं, मांगे इस अनशन में आदिवासी समुदाय ने सामने रखी है। इस अनशन को मालडुंगी, जाधववाड़ी, काड़ीचीवाड़ी, शिवनसई, मोरबे, बेलवाड़ी, वारदोली, खेरवाड़ी तथा हेदुटने आदि जगह के आदिवासी समुदाय ने इस अनशन को अपना समर्थन दिया है। इस दौरान आदिवासी विकास परिषद के संस्थापक सचिव बीबी लांडगे, सुंदर जाधव, अमृत मड़ेकर, नामदेव भालेकर आदि गणमान्यों की उपस्थिति रही। इस दौरान आदिवासी विकास परिषद के संस्थापक सचिव बीपी लांडगे ने आदिवासी समाज की समस्याएं तथा प्रशासन की तरफ से इन समस्याओं को नजरअंदाज किए जाने वाली भावनाएं व्यक्त की। आदिवासी समाज सर्वात गरीब समाज आहे आणि त्या भारतीय राज्य घटनेतील जे आरक्षण आहे ते आरक्षण धनगर समाजातून मागू इच्छित आहे। त्याला आमचा काही मुक्तांच्यासाठी ज्यांना कधीच देशामध्ये घर मिळालेलं नाही, भटके नावच भटके, त्यांच्यासाठी किमान प्रत्येक कुटुंबाला 2 हेक्टर जागा मिळावी ही मागणी आहे। त्याच्या घरासाठी 5 कोटी शासनाने जमीन द्यावी ही एक मागणी आहे त्याच्यामध्ये। आणि जिल्हाधिकाऱ्याने कोणगाव ग्रामपंचायतीमध्ये त्यांचा रिझोल्युशन प्लॉट आहे कलेक्टरने दिलेला, त्याच्यावर धनदानग्याचं अतिक्रमण हटवून ते भटक्या मुक्तांना ते प्रदान करण्यात द्यावं, ते प्लॉट वाटप करण्यात अशा प्रकारची आमची। वही इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हमारा अनशन ऐसे ही जारी रहेगा।